हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आईटीआर इंडियन ट्रेड एंड रीजंस। इन दिस समर मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल तरीके की नई तरीके की दूध आइसक्रीम लेके आई हूँ। पर उससे पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आइसक्रीम। हमें इसमें चाहिए आधा लीटर दूध लिया है हमने, मलाई वाला दूध लेना है हमें, मतलब मलाई निकालनी नहीं है दूध की, मलाई वाला दूध चाहिए हमें। चीनी आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आधा लीटर दूध में हमने एक चम्मच गेहूं का आटा लिया है और इलायची पाउडर आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। दूध में चीनी डालेंगे, इलायची पाउडर, गेहूं का आटा डाल के उसे अच्छे से मैश करेंगे ताकि इसमें गांठें ना पड़े। अच्छे से मिलाने के बाद इसको दूध पे रख देंगे, गैस पे रख के अच्छे से इसको गाढ़ा करना है और बीच बीच में चलाते रहना है ताकि वो नीचे से चिपके नहीं। कंप्लीट हो जाने के बाद इस तरह से प्लास्टिक का एक बर्तन लेंगे, उसमें हम पूरा जो हमने गाढ़ा दूध किया हुआ है वो डाल देंगे। उसे फ्रीजर में पूरा कवर करके फ्रीजर में रखेंगे। फ्रीजर की डिग्री आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, उसको ज़्यादा डिग्री पे रखेंगे तो जल्दी हमारी आइसक्रीम जमेगी। आइसक्रीम जमने के बाद इस तरह से हो जाएगी। आप इसे चम्मच या चाकू की सहायता से कॉर्नर्स को निकालेंगे, उसे उल्टा करेंगे, उल्टा करके थोड़ा सा टैप करेंगे तो ये निकल जाएगी इस तरह से। इसके बाद हमने इसे गार्निश किया हुआ है, इसको हमने डेकोरेट कर दिया है बादाम से। आप बादाम की जगह पिस्ते का यूज़ भी कर सकते हैं इसको डेकोरेट करने के लिए। और इस तरह से हम इसे चाकू से काटेंगे तो ये एक तरह के फैमिली पैक टाइप आइसक्रीम हो जाती है, तो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। तो जब भी आप घर पे हों और घर की चीज़ खा रहे हो तो आप इस तरह से आइसक्रीम बनाइए डिफरेंट तरीके से और खाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।